आज का ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आप लोग देख रहे हो। प्यार करने वाले लोग हैं ना, इतने सारे चाहने वाले लोग हैं, क्यों नहीं डाल रहे हो? मतलब क्या हो गया, आप लोग सोशल मीडिया पे 10 दिनों से अपडेट नहीं हो क्या? हमने अपना YouTube छोड़ दिया क्या? हमने YouTube पे ब्लॉग बनाना बंद कर दिया या हम YouTube हमारा ये लास्ट था सब कुछ? लेते हैं बहुत लोग कुछ कर लेते हैं और बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ भी हो रही है, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे बताया नहीं कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आई। हम नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा क्योंकि सिचुएशन में हमें घर पर होना चाहिए। बच्ची का जन्म हुआ है, लक्ष्मी माता हमारे घर पर आई है नन्नी मुन्नी प्यारी से। गुड मॉर्निंग आप सभी को, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, केम जो भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रहो सब। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आप लोग देख रहे हो। सोशल मीडिया पे हमारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि ईमेल, मेल पे भी बहुत सारा मेल हमने देखा। मतलब इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं ना, इतने सारे चाहने वाले लोग हैं जो हमारे ब्लॉग का डेली इंतजार करते हैं। और हमारी इंस्टा पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। मतलब इंस्टा तो छोड़ो, हमें मेल तक आया है। मतलब इतना सारा मेल भी आया है कि भैया क्या हो गया, आप लोग सोशल मीडिया पे 10 दिनों से अपडेट नहीं हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कौन सी परेशानी में हो, क्या हमने अपना YouTube छोड़ दिया, क्या हमने YouTube पे ब्लॉग बनाना बंद कर दिया या हम YouTube से हमारा ये लास्ट था सब कुछ। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि भैया क्या आपने YouTube छोड़ दिया, अब आप YouTube पे नहीं आओगे या क्या परेशानी चल रही है। उस सारी परेशानी को लेके बहुत सारा DM आ रही है, तो उस क्वेश्चन को आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से सब कुछ क्लियर करेंगे कि पिछले 10 दिनों से हम लोग क्यों अपडेट नहीं है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मतलब किसी नहीं बोलेंगे, मतलब खासकर YouTube पे, बाकी जगह हमारे जो भी वीडियोस हैं इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब हो गए, वहाँ पे आपको देखने को यूट्यूब बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें देखने को मिला होगा, बट वो बहुत सारी बैक वीडियो, पुरानी वीडियो भी थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पुराना वीडियो होता है जो पोस्ट हो जाता है, तो मतलब वहाँ पे तो हम लोग अपडेट हो रहे थे बट करेंट टाइम में, करेंट सिचुएशन में अपडेट नहीं थे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने बहुत सारे ब्लॉग्स में चर्चा भी किया था कि अभी कुछ लाइफ जो है ना ऐसा उछल पुथल चल रहा है कि हम अब खुद एक जगह कहीं बैलेंस नहीं है, स्थिर नहीं है, अपनी लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया है और आई होप कि जल्दी हो सकता है कि उतार चढ़ाव ख़त्म भी हो जाए और आप सभी लोगों को हो सकता है कि हम सब कुछ जल्दी ही सब कुछ बता देंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि आप लोगों की मदद की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या हुआ? पापा का फ़ोन है, ठीक है। तो आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारा जो सच्चाई है जो हमने दिल में छुपा रखा है, बीच में शिवांश आ गया था तो अभी थोड़ा सा उसको उलझाया हूँ, अभी आराम से बैठा है पीछे। तो ये उलझन चल रही थी, हम लोग कहाँ थे कि अब हो सकता है कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और जो हमने अपने बीच में बहुत सारी बातों को दिल में दबा रखा है उसको लगता है मुझे कि मतलब बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तक हम बाहर नहीं लाएंगे आप लोग का हेल्प चाहिए हमें, और तब तक जो अधिकारी होते हैं, मतलब इतना बता दो कि हम कुछ ऐसे इशू में फंस चुके हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं और सब कुछ तैयारी हो रखी है अपनी लाइफ के लिए, और अगर इस महीने में सब कुछ क्लियर नहीं हुआ तो हम सभी चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आएंगे। और जितने भी सभी लोग थे इस बीच में, जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारे साथ ऐसा गलत किया है, चाहे जानबूझ के अभी तक हमें फंसा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हैं, एक एक पॉइंट हमारे पास है, सारे सबूत हमारे पास है कि कैसे हमें इस तरह से इस कांड में फंसाया गया। जो भी होगा उसका हम प्रॉपर आपको वीडियो ला के लिख देंगे। इसी वजह से ना आपको बता दो कि हम लंबे टाइम से घर पे नहीं जा रहे हैं, और क्या बताओ आपको, और पिछले 10 दिनों से ना मतलब वीडियो नहीं लाने का सबसे मेन रीज़न ये था कि हम थोड़ी सी शांति चाह रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा एक मेंटली टेंशन चल रहा है अपनी लाइफ में और टेंशन से निकल नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ दिन के लिए छोटा सा एक ब्रेक लिया जाए। क्या तो बहुत दिन से वीडियो हम लोग डाल नहीं पा रहे हैं और मेरा है कि काम कुम भी ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से नहीं डाल पाते। बहुत सोचते हैं कि डालेंगे लेकिन नहीं हो पाता है। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या आप लोगों को उस घटना के बारे में जानना है कि क्या हुआ है हमारी लाइफ में, कौन से लोग हैं जो एक षड्यंत्र के तहत हमें फंसा रहे हैं। और बोलते हैं ना कि तमाम सबूत हमारे पास होते हुए भी ना अपने यहाँ कि एक बोल सकते हैं कि अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं बट
अपने यहाँ का सब कुछ सही नहीं है, मतलब आपके पास हर एक चीज़ है बट इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस प्रूव करने के चक्कर में ना ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, बहुत लोग कुछ कर लेते हैं और बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं। बट हमने हिम्मत नहीं हारा है, एक साल से इस चीज़ को लिए लड़ रहे हैं और सितंबर महीने में लगभग एक साल हो जाएगा इस घटना का, अगस्त महीना चल रहा है। तो आपको बता दें कि एक साल से इस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं और सभी लोगों के जो सच्चाई है ना राज है वो सबसे पर्दे उठेंगे। और इसके वजह से ना हमारी ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से हम कंटिन्यूस ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, ढंग से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स नहीं ला रहे हैं, जिससे कि हमारे व्यू जो होता है ना रिच है वो काफ़ी ज़्यादा घटा है। क्योंकि हम कर रहे थे कि आप ना पहले जैसे व्लॉग हाँ, नहीं बनाते हो हाँ, लेकिन एक होता है ना कि आदमी अपनी जिंदगी में मतलब चलता एक है। बात बताऊं ना कि अगर जो टॉपिक हमारे लाइफ में चल रहा था अगर मुझे व्यू लेना होता ना तो मेरे लिए वो इतना अच्छा पॉइंट था। आप लोगों से मतलब बोलते नहीं है कि आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता, आप लोग भी उस चीज़ को मजे लेके देखते, मसाला मिर्च लगा के मैं सब कुछ बताता और आप लोग भी देखते, बट मैंने उस चीज को कभी भी सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं लाया है एक साल से। और इंतजार में कि कब सब कुछ हमारे लाइफ हाँ, में सही हो जाए। अगर उस चीज को कंटेंट बना रहता ना तो बहुत सारे लोग इसमें उलझेंगे और बहुत सारे लोगों का नाम भी आएगा। और हम लाएंगे लास्ट होप, जब हमारे पास कुछ बचेगा नहीं तो हम सब लोगों का नाम लाएंगे लास्टली, जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, ठीक है। बाकी ये सब भी है, मतलब बीच में बताओ कि हमारी फैमिली में एक तो अच्छी अच्छी चीज़ भी हो रही है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अभी तक सोशल मीडिया पर बताया नहीं कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आई है। चलो क्लियर बता देता हूँ, हमारे घर में एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा गुड न्यूज भी है बट उस गुड न्यूज में भी हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं और हम नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा क्योंकि सिचुएशन में हमें घर पे होना चाहिए था, शामिल होना चाहिए था, बट कंडीशन ऐसी थी कि हम घर पे भी नहीं जा पा रहे थे और जाएंगे जल्दी। और बता दो आपको क्या है नहीं है, ठीक है, ब्लॉग के लास्ट में बता देंगे, मतलब फ़ोटो डाल देंगे क्या, तो ब्लॉग के लास्ट में हम फ़ोटो डाल देंगे। और हमारे घर में बहुत ही प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ है, लक्ष्मी माता हमारे घर पे आई है नन्नी मुन्नी प्यारी सी, और लगभग वन वीक से ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो बता दो कि मेरी सिस्टर रवीना, आपको आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा पिछले एक साल पहले जब हमने ब्लॉग सारे देखे होंगे आप लोगों ने तो मैं फाइनली बोलूँ कि मामा बन गया एक प्यारी सी भांजी, भगनी क्या बोलते हैं भाई, मैं मामा मतलब मेरी भांजी, भांजी मतलब एक बहुत ही प्यारी सी, मतलब मेरे पास सब नहीं है मैं क्या बोलूँ। और उस टाइम पे उसका जो फर्स्ट डे वाला फोटो देखा था ना, इतना मिलने का मन कर रहा था जल्दी जाएंगे हम लोग, ठीक है, मिलेंगे। और ये वाला न्यूज भी हमें देना था बिकॉज ये वाला ऐसा अपडेट था जो हमने आप लोगों को बताया नहीं कि फाइनली बाबू का जन्म हुआ है घर में, बहुत सारा पार्टी भी हुआ, सब कुछ हुआ है, बट नॉर्मली हुआ। अभी जो बाबू हुआ है शायद ऑपरेशन से हुआ है और डॉक्टर के एडमिट होना, और बच्चा जो हुआ उसके बाद वो बच्चा को शायद ये जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था, तो उसको फिर डॉक्टर के यहाँ रखना पड़ा शायद ग्लास वगैरह में, और 2-3 दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे सभी लोग। और ये सभी कंडीशन है, मतलब एक अच्छी खबर भी है बुरी खबर भी है, बच्चे का तबीयत खराब हुआ था बट अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल हो गया लाइफ में। एंड अभी आपको पता है कि हम लोग चंडीगढ़ मोहाली में हैं, बाकी जो हमारा यूट्यूब का जर्नी है ना वो अभी चलेगा, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाते रहिएगा। बाकी ब्लॉग अब कोशिश करते हैं ना कि डेली ब्लॉग तो नहीं आएगा बट अल्टरनेट डे में एक दिन या दो दिन गैप करके हमारे ब्लॉग्स डेली आपको मिलते रहेंगे। बाकी आप लोग फेसबुक पे जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ अपने वीडियो शॉर्ट वीडियो को लेके आते हैं, वहाँ पे लगभग दिन हम अपडेट हैं। तो ये तो एक थी यूट्यूब पे कि हम इतने दिन से क्यों हैं नहीं हैं, हमने यूट्यूब अपना छोड़ दिया, क्या हमारा मतलब प्लान ख़त्म हो गया, हमने YouTube से संन्यास ले लिया, ये भी जवाब आपको मिल गया कि हमने ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है और अभी YouTube पे हैं, जब तक हो सकता है तब तक हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए ब्लॉग लेते आते रहेंगे बट आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बाकी एक गुड न्यूज़ भी था वो भी हमने बता दिया आपको कि प्यारी सी बच्ची का जन्म भी हुआ है हमारे घर पे, और जल्दी उसका फेस रिवील भी करेंगे, दिखाएंगे आपको जब मिलने जाएंगे बहुत ही प्यारी सी बच्ची से, तो सब कुछ आपको ब्लॉग में हम कैप्चर करके अच्छे से दिखाएंगे।
और बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे ना कि हाँ आपने ये मम्मी पापा को छोड़ दिया, ये तो हमने ब्लॉग्स में बता दिया है। हाँ, तो फिर भी लोग कमेंट करते हैं ना हाँ, कि घर पे नहीं है आप लोग, घर कब देखो, जाएंगे, देखो, कब बात, जाएंगे? देखो बात ये है कि हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी बहुत लोगों को कभी कभी ये लगता है ना कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो हम इनकम करते हैं वो सिर्फ हमारे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे है, तो उस चीज़ के लिए हम आज क्लियर करके बता देते हैं आपको कि हमारा जो मेनली इनकम होता है ना, हमारे पास दो दो बिजनेस है। एक तो हमारा मेडिसिन का कारोबार है, मेडिसिन का होलसेल का काम करते हैं, वो अभी से नहीं कर रहे हैं, 2013 से कर रहे हैं, तो 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और पिछले एक साल पहले आपने देखा होगा कि हमने कपड़ा का दुकान भी, शोरूम का भी ओपनिंग किया था। तो दो दो हमारे बिजनेस है, पापा जी का भी साइड बिजनेस है और घर पर बहुत सारा काम भी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं कुछ ऐसे सिचुएशन की वजह से, वरना ट्रैवल आप देखते होंगे कि हम अक्सर अपनी फैमिली के साथ ही करते हैं और इतना लंबा गैप नहीं रखते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम फिर रिसेंटली जल्दी घर जाएंगे और ब्लॉग्स कंटिन्यूअस आएगा, घर का ब्लॉग आएगा। हमने अपनी फैमिली से कोई भी ऐसी नाराज़गी नहीं है और ना हमें घर से कोई ऐसा निकाला गया है या हमने घर के किसी को छोड़ दिया है। और जिन्होंने जन्म दिया है ना, उनको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हो, उनका कर्ज कभी भी आप चुका नहीं सकते हो। तो अपनी मम्मी पापा की हमेशा, मतलब बोलते हैं ना कि कभी कोई दूर नहीं हो सकता, बट हाँ किसी कारण से हम लोग बाहर हैं, वो सब कारण जैसे ही क्लियर होगा फिर हम लोग घर जाएंगे, अच्छे से ब्लॉग्स आएंगे। और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बाकी कुछ भी डाउट हो ना आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज का ब्लॉग नॉर्मली ऐसा ही ब्लॉग हमने बना दिया जिससे कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए कि सब कुछ क्या है नहीं है, और बाकी कुछ भी डाउट होगा नेक्स्ट ब्लॉग में हम क्लियर करेंगे, ठीक है? जो भी भर भर के आप कमेंट, आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम टॉपिक की वीडियो लेके आएंगे। क्या इशू है नहीं है वो हम लोग बताएंगे, टाइम आने पे बताएंगे, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। एंड चलो, बाकी आज शाम को एक पार्टी भी है, पार्टी में जाना है, बाकी एक आप लोगों के सरप्राइज भी है, तो वो सरप्राइज भी दिखाएंगे, दो दो चीज़ है, तो वो कल या परसों वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी जो हमारा ब्लॉग चलेगा वो अल्टरनेट डे चलेगा, कोशिश करेंगे डेली रहे, वरना अल्टरनेट डे पे हमारा ब्लॉग आते रहेगा। फिलहाल जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय माता दी। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जो भी मन में डाउट है ना प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।